नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर से वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा अध्याय 10 शिक्षा और समाज के बारे में चर्चाएं हैं। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है, शिक्षा तथा समाज एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्टीकरण है। शिक्षा और समाज का संबंध, शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करके सामाजिक वातावरण में समायोजन करने की योग्यता प्रदान करना। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का कार्य यह है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों की प्रधानता दी जानी चाहिए। प्रत्येक समाज में नैतिकता का व्यवहार आवश्यक है। नैतिकता का सभी देशों में महत्व है। नैतिकता में वे सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं जो मनुष्य के आचरण को अच्छा बनाती है। इसी कारण शिक्षा का कार्य मनुष्यों को नैतिकता में प्रशिक्षण देना होना चाहिए। जो भी समाज प्रगति करना चाहता है उसे ऐसी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए जिससे शिक्षा नैतिक प्रसार का कार्य कर सके। शिक्षा बालक को नैतिक और सामाजिक रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। शिक्षा तथा समाज में जो घनिष्ठ संबंध है रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट दिखाया जा रहा है। समाज आदर्श, फिर व्यक्ति के विकास, समाज विश्वास, मूल्य परंपराएं, मान्यताएं, आकांक्षा, प्रथाएं, आवश्यकताएं, यह सब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति से विकास। अब आते हैं शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है, शिक्षा एवं समाज एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्टीकरण इसका भी है। शिक्षा और समाज का संबंध, शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों को सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करके सामाजिक वातावरण से समायोजन करने की योग्यता प्रदान करना। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज को आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा का उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। प्रत्येक समाज में नैतिकता का व्यवहार आवश्यक होता है। नैतिकता का सभी देशों एवं महत्व है। नैतिकता में वे सभी बातें सम्मिलित की जाती है जो मनुष्य के आचरण को अच्छा बनाती है। इसी कारण शिक्षा का उद्देश्य एवं कार्य मनुष्यों को नैतिकता में प्रशिक्षण देना होना चाहिए। जो भी समाज प्रगति करना चाहता है उसे ऐसी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए जिसमें शिक्षा नैतिकता प्रसार का कार्य कर सके। शिक्षा बालक को नैतिक और सामाजिक रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। समाज के शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं, समाज के शैक्षिक कार्य, शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया समाज के द्वारा समाज के लिए चलाई जाती है। समाज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का सहारा लेता है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसके लिए शैक्षिक संस्थाओं स्थापित करना है। समाज अपनी समस्याओं, मान्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा का व्यवस्था करता है। प्रत्येक समाज अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। अमेरिका में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।
प्रत्येक भारत में ऐसी व्यवस्था की जा रही है, किसी समाज में एक धर्म विशेष को मान्यता दी जाती है, कुछ समाज में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। उन सभी समाजों की शिक्षा व्यवस्था में विभिन्नता होती है। समाज की राजनीतिक शिक्षित का भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में एकतंत्र शासन प्रणाली होती है, वहाँ शिक्षा के द्वारा राज्य के लिए सेवक तैयार किए जाते हैं, परंतु जिन देशों में जनतंत्र प्रणाली है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। ऐसे देश में बालक की शिक्षा का प्रबंध उसकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार किया जाता है। समाज के शैक्षिक कार्य निम्नलिखित है। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशाला का निर्माण करना है। समाज केवल बालकों को शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं करता, वरन प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करता है। सभी समाज प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थाएं का निर्माण करते हैं। समाज अपने सदस्यों के मानसिक विकास के लिए पुस्तकालयों एवं की व्यवस्था करते हैं, इससे जन शिक्षा को बड़ा सहयोग मिलता है। समाज अपने सदस्यों के सहयोग एवं सांस्कृतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज साहित्य एवं सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण करता है। इन संगठनों के द्वारा समाज साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करता है। इस प्रकार समाज के सदस्य साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रशिक्षित होते रहते हैं। समाज अपने सदस्यों का नैतिक और चरित्र विकास करता है। वह उनमें से प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का समावेश करता है। समाज शिक्षा संस्थाओं के द्वारा सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है। अब आते हैं अति लघु त्रय प्रश्न में, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा का उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा एक कार्य यह है कि मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों की प्रधानता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, समाज की प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। अगला प्रश्न है, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। यह अध्याय समाप्त होता है। ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।